फॉलो अप कब्र के अजाब से बचने के लिए इसमें बता दें पढ़ने वाली बात <laughs> 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 कब्र से अजाब से बचने के बहुत से अमल हैं जी इंसान जो है कब्र के अजब से बच सकता है और सबसे बड़ी चीज़ तो मैंने बताया ईमान और अमर साले जी ये सबसे बड़ी चीज़ है और नमाज जो है ना ये सबसे बड़ी चीज़ है जो कबर के अदाब से बचाएगी लिहाजा इसलिए कहा कि जो ये इबादत जब वो मफरूज़ा हैं जक़़त है रोज़ा है हज है या इसी नमाज है तस्बियात हैं तो हदीस में आता है कि कब्र के अंदर जो है जब ये पूरे आमाल सालिया के साथ जाएगा तो कब्र के अंदर जब अजाब सीधी तरफ़ से आएगा तो नमाज खड़ी हो जाएगी उसको रोकेगी जी खबरदार जो इधर आए क्योंकि नमाज को दस्तावेज़ फरमाया है दस्तावेज़ इंसान की सीधे आदमी होती है फाइल सीधे आदमी होती है तो सीधी तरफ से नमाज रोकेगी उल्टी तरफ से अगर अजाब आया तो रोज़ा खड़ा हो जाएगा रोज़ा उसको खबरदार जो इधर ये रोज़े रखा करता था रोज़ेदार ए और सोम को आज सोमू जुन्ना फरमाए उसको ढाल फरमाए ढाल और मुजाहिद के उल्टे हाथ में ढाल होती है जब जंग लड़ता है तो ऐसे उल्टी तरफ़ से उसको रोकेगा और अगर ये पाओं की तरफ से अजाब आया तो ज़कात खड़ी हो जाएगी उसके सदकात उसके खैर खड़े हो जाएंगे कि क्योंकि इंसान के हाथ पैर की कमाई होती है जो माल खर्च करता है तो वो खड़े हो जाएंगे खबरदार जो इस तरफ आए और अगर सर की तरफ से आया तो इंसान जो तस्बीहात पढ़ता है लाहौल वाल बिल्ला की तस्बीहात कर रहा है सुबह अल्लाह सुबह तो वो तस्बीहात खड़ी हो जाएंगी कि उधर कि इंसान जब ये तस्बीहात करता है कि दिलो दिमाग इंसान का रोशन होता है और नफ़ा इंसान हासिल करता है तो उधर से आ जाए कुरान की तिलावत है वो सर की तरफ वो सब खड़े हो जाएंगे तो गोया कि ये वो हमारे साल हैं कि जो इंसान को अज़ाब क़बर से बचाएँगे तो जाहिर है कि ये सारे अमाले मफरोज़ा जो फरीजा हैं उनके ऊपर अमल करता रहेगा तो अदाब्र से बचेगा तो बाकी उसके अलावा कोई ऐसा अमल नहीं है बाकी अल्लाह की रहमत अल्लाह बचाना चाहे लेकिन आपको पूरे अमाल परफेक्ट लेके जाना होगा तो कब्र के अदाब से बचेंगे वंडरफुल बेहतरीन ये ये एक्सप्लेन चाहिए हम सब अलहमदिल्ला बहुत, बहुत शुक्रिया